हेलो दोस्तों। तो ये रंग बिरंगी सब्जियां जो है वो सर्दियों में ही मिलती है, तो चलिए इससे पहले कि सर्दियां चली जाए हम इन सब्जियों का लाभ लेते हैं। तो आज हम बथुआ की साग से बनाएंगे एक नई रेसिपी। तो यहाँ पे हम बथुआ के साग को अच्छे से धो करके और ले लिया है बारीक काट करके। तो अब इसे हम एक बाउल में डाल देंगे। इसके बाद इसमें हम बेसन डाल देंगे बाइंडिंग के लिए। उसके बाद इसमें हम धनिया डालेंगे। अब इसमें हम नमक डालेंगे। इसके बाद इसमें हम नमक डालने के बाद इसमें हल्दी डालेंगे, लाल मिर्ची पाउडर, हरी मिर्ची बारीक कटा हुआ, प्याज डालेंगे बारीक कटा हुआ और सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए ये अच्छे से मिक्स हो गया है। तो अब इसे हम डो तैयार कर लेते हैं। तो देखिए डो तैयार हो गया है और ये अच्छे से ये पेड़ा बन रहा है। तो हम इसे अच्छे से लड्डू कहिए या बड़ी कहिए उसका शेप दे देंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने सबको बना करके रख लिया है। अब यहाँ मसाला तैयार कर लेते हैं। तो मसालों के लिए यहाँ पे हमने हरी मिर्ची लिया है, लहसुन और 1 चम्मच जीरा डालकर इसे हम पीस लेंगे। इधर हमने पानी गर्म होने के लिए रख दिया था। तो यहाँ पे हम जाली वाला प्लेट रख देंगे जिसे हमने पहले से तेल लगा करके चिकना कर लिया है। तो अब इस पे जो हमने लड्डू तैयार किया था वो इस पे डाल देंगे और 10 मिनट के लिए भाप में इसे हम पकाएंगे। तो इधर हम कढ़ाई में तेल गरम होने के लिए रख दिए थे, तो तेल गरम हो गया है। तो अब इसमें हम तेज़पत्ता डाल देंगे और जीरा डाल देंगे। जीरा जब चटक जाएगा तब इसमें हम बारीक कटा हुआ प्याज डाल देंगे और सुनहरा होने तक इसे हम भूनेंगे। तो देखिए ये सुनहरा हो गया है। तो अब इसमें हमने जो पेस्ट तैयार करके रखा था वो इसमें डाल देंगे और अच्छे से इसे हम भून लेंगे। तो देखिए हमारा मसाला जो है भुन गया है। तो अब इसमें हम हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और लाल मिर्ची का पाउडर इसमें हम डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा पानी डालेंगे जिससे कि हमारा जो सूखा मसाला है वो जले नहीं। तो देखिए हमारा मसाला अच्छे से भुन गया है। तो अब हम इसमें नमक डाल देंगे। तो नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डालें और ध्यान रहे कि हमने वहाँ बड़ी में भी नमक डाला है तो उसी हिसाब से इसमें हम नमक डालेंगे। तो हमारा मसाला भून गया है। तो हमने इधर टमाटर का पेस्ट बना करके रखा था तो वो भी इसमें डाल देंगे और अच्छे से हम मसाला तैयार कर लेंगे। उसके बाद इसमें हम गोभी डाल देंगे। मुझे गोभी इतना पसंद है कि मैं हर चीज़ में गोभी डाल करके ही बनाती हूँ। मुझे दाल भी गोभी डाल करके बनाने में अच्छा लगता है और खाने में भी। तो देखिए यहाँ हमारा मसाला भुन गया है और गोभी भी अच्छे से फ्राई हो गया है। तो अब इसमें हम 1.5 गिलास पानी डाल देंगे। और इसके बाद इसमें हम गरम मसाला डालेंगे और साथ में हम यहाँ पे हरा धनिया पत्ता जो है बारीक कटा हुआ वो डाल देंगे। और एक उबाल आने तक हम वेट करेंगे। तो इधर हमारा जो बड़ी है वो भी भाप में अच्छे से बन गया है। तो देखिए कितना सॉफ्ट बना है। और इधर हमारा जो हमने ग्रेवी बनाया था उसमें उबाल आ गया है। तो इसमें हम सारी बड़ियां डाल देंगे और तुरंत इसे हम नहीं चलाएंगे, नहीं तो ये बिखरने का चांस रहता है। तो देखिए करीब 2 मिनट के बाद हमने इसे चलाया है तो हमारा सब्जी जो है बन करके तैयार हो गया है। तो अब इसे आप रोटी चावल के साथ गर्मा गर्म सर्व करें। तो ये रेसिपी आप सबको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि जो सब्जी कैसी बनी है।